गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नीतू पकवान में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चावल के स्पेशल लड्डू, जो बिना किसी तेल या इनो या बिना सोडा के ही बनकर तैयार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कढ़ाई गर्म करेंगे, उसमें 2 कटोरी पानी डालेंगे, 2 चुटकी नमक डालेंगे और 2 चम्मच चीनी डाल देंगे। उसे उबलने देंगे और पानी उबलने के बाद 2 कटोरी चावल के आटे को उसमें डालेंगे। चावल के आटे को डालने के बाद उसे चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से चलाते हुए मिलाएंगे। इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे। 5 मिनट के बाद इसे दूसरे बर्तन पर डाल देंगे। हाथ में थोड़ा सा तेल लेंगे और उसे अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिलाते हुए डो तैयार कर लेंगे। इसे गर्म रहने पर ही मिलाना है। अब यह डो बनकर तैयार हो गया है। इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसे बोल का आकार देंगे। दोनों हाथ की मदद से बोल तैयार कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, छोटे छोटे गोले बन चुके हैं। इसी तरह से सारे डो से छोटे छोटे गोले तैयार करके रख लेंगे। सभी गोले तैयार हो चुके हैं। पानी गर्म करेंगे, उसमें इडली के सांचे को रख कर उसमें एक एक करके सभी बोल को डाल देंगे और उसे 12 मिनट तक ढक कर छोड़ेंगे। 12 मिनट हो गए हैं। अब ये लड्डू भी बनकर तैयार हो गया है। इसे एक एक करके किसी बर्तन में निकाल लेंगे। अब ये खाने के लिए तैयार है। ये लड्डू खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये हल्का मीठा होता है और गर्मियों में ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसे चटनी के साथ या सॉस के साथ परोसेंगे और नाश्ते में ये बहुत अच्छा पौष्टिक नाश्ता बनकर तैयार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।